पवनदीप, अरुणिता, सायली और दानिश के ढेर सारे फोटोज सामने आ चुके हैं। लंदन को ये भूल नहीं पा रहे, इसलिए वहाँ से आने के बाद भी ये वहाँ के यादगार पलों को शेयर कर रहे हैं। इन्हें वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन काफी दिन बाद अब इन्होंने इंडिया के लिए बैग पैक ही कर लिया है और ये स्टेशन पर उदास चेहरे के साथ दिखाई दिए। हालांकि लंदन को ये उदास चेहरे के साथ तो बाय नहीं करते, इसलिए इन्होंने स्टेशन पर भी इस टूर की लास्ट सेल्फी ली और लंदन टूर के लास्ट दिन के फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। फैंस पल के बिछाए बैठे हैं कि कब ये मुंबई आएंगे और कब फिर से इनके नए नए वीडियो सामने आएंगे। जब से फैंस को पता चला कि आज ये मुंबई आने वाले हैं, तो इनके कुछ चाहने वाले मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहां इनका स्वागत करेंगे। अब करीब 20-25 दिन बाद ये वापस आ रहे हैं, तो स्वागत तो बनता है। वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इनके फैंस के लिए ये 20-25 दिन ही साल के बराबर है। वो क्या है ना कि पवन अरु के फैंस को इनके लिए बहुत लगाव हो गया है और जब किसी से दिल लग जाता है तो उसको लेकर चिंता बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ हाल पवन अरु के फैंस का भी है। फिलहाल तो एयरपोर्ट वाले फोटोज में आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, लेकिन इनका पूरा ध्यान फैंस पर ही अटका हुआ है कि मुंबई में क्या फिर से इनका वैसा ही स्वागत होगा, वैसा ही प्यार मिलेगा। पवनदीप अरु बिल्कुल पास पास खड़े हुए हैं, इनकी पूरी टीम भी साथ में है। फोटो में पवन अरु बहुत कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं। सबने इस टूर को खूब एंजॉय किया है। उम्मीद है कि पवन अरु के फैंस को भी इनका ये टूर पसंद आया होगा। पवन अरु के नए प्रोजेक्ट की फोटो सामने आ गई है, मतलब जल्दी इनका एक और धमाकेदार इवेंट होने वाला है जिसको लेकर ये मीटिंग करने गए और वहीं से इन्होंने ये फोटो शेयर किया। फोटो में पवनदीप खुद सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। इस सेल्फी में पवन अरुणिता तो मौजूद हैं ही, साथ ही सायली और तीन लोग और भी हैं, जिसमें एक महिला भी है और ये सब इनके नए प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं। लंदन में पवन अरु को लगातार नए प्रोजेक्ट मिले और फिर से नए प्रोजेक्ट को ऑफर किया गया जिसकी फोटोज सामने आ चुकी हैं। फोटोज में अरुणिता का लुक बहुत अलग लग रहा है। अरुणिता का ये वेस्टर्न लुक भी लोगों को पसंद आ रहा। वैसे तो अरुणिता अब तक साड़ी में ही इवेंट पर जा रही थी, वेस्टर्न लुक ने भी अरुणिता के फैंस का दिल जीत लिया। अरुणिता इस फोटो में लूज टॉप के साथ प्लाजो पैंट पहनी हुई है। अरुणिता पर ये कलर खूब सूट कर रहा है। पवन भी येलो जैकेट के साथ पिंक कैप लगाए हुए हैं। फोटो में पवन बहुत क्यूट लग रहे हैं। उनकी इस फोटो पर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं। लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या ये नया प्रोजेक्ट का हिस्सा है और नया इवेंट कब आने वाला है। आपको बता दें, इन्हें अभी कुछ दिन और लंदन में रहना होगा। वैसे तो कहा जा रहा था कि इनके लंदन में इवेंट खत्म हो चुके हैं और जल्दी ये इंडिया आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब एक महीना होने जा रहा है इन्हें लंदन में इवेंट करते हुए। नई जनवरी फरवरी में फिर से इनके लंदन में इवेंट होने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जनवरी और फरवरी तक लंदन में ही रहने वाले हैं और सारे इवेंट निपटाकर वापस इंडिया लौटेंगे। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन, अरुणिता, दानिश और सायली का एक बहुत ही क्यूट वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद यकीनन आप कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे। हम बात अरुणिता की कर रहे हैं, जो फिर से लोगों का एंटरटेनमेंट करती देखी गई। इस बार अरुणिता को पंजाबी स्टेप के साथ डांस करते देखा जा रहा है। जी हाँ, अरुणिता, दानिश और सायली तीनों आजकल शीशा बड़ा छेड़ता गाने पर बिंदास होकर डांस कर रहे हैं। अरुणिता वाकई इस गाने पर डांस करते बहुत क्यूट लग रही हैं। दानिश ने अपने चैनल के लिए वीडियो शूट किया है। लंदन में ही खुले मैदान में ये तीनों घास पर डांस करते देखे जाने। अरुणिता इन स्टेप्स पर बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ने फैंस का दिल जीत लिया। वहीं सायली भी मस्त होकर डांस कर रही हैं और दानिश का तो कोई जवाब ही नहीं। अब लोग इस वीडियो में पवन को मिस करें कि आखिर वो क्यों कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि पवन भी इस वीडियो में शामिल है और फिर अगर अरु के पास पवन होते तो मजा ही आ जाता। वैसे पवन है कहाँ, जहाँ ये तीनों हो वहाँ पवन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको बता दें, पवन क्या कर रहे हैं, ये तीनों जब डांस कर रहे थे तो पवन इनकी वीडियो बनाने में लगे। पवन का फोकस अरुणिता पर ही था, वो अरुणिता का डांस देखकर हंसी नहीं रोक पा रहे थे। तभी लास्ट में अरुणिता हंसी के मारे लोटपोट हो जाती है, क्योंकि पवन उनकी वीडियो बनाते बनाते अरुणिता से कुछ इशारे कर रहे थे, उनके डांस की नकल उतार रहे थे, जिसे देखकर अरुणिता भी खूब हंसती है। आपको बता दें, बहुत जल्द ये चारों लंदन से वापस इंडिया आने वाले हैं। ऐसे में लंदन की खूबसूरत यादें भी सजो कर रख रहे हैं। इन्हें जैसे ही अपने कंसर्ट से टाइम मिलता है, ये अपने चैनल के लिए वीडियो बना दें। ये चारों एक दूसरे में बहुत मस्त रहते हैं, फनी हरकतें भी करते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं। वेल, अगर आपको भी इनका ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें।
पवन अरू का एक खूबसूरत वीडियो निकलकर सामने आया जो इनके रात के इवेंट का बताया जा रहा है। जी हाँ, लंदन में एक इवेंट के दौरान पवन अरू रोमांटिक अंदाज में नजर आए और यहाँ भी अरू की केयरिंग करते नजर आए पवन। अरू के लिए पवन की केयरिंग और प्यार देकर फैंस तो हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर एक अलग ही शोर देखा जा रहा है। जब फैंस ने अपने पसंदीदा स्टार्स को इस अंदाज में देखा तो वो सब रह नहीं पाए और रात में ही कमेंट की बौछार कर डाली, क्योंकि अब तक आप सिर्फ सुन रहे थे कि पवन अरू को डिनर डेट पर ले गए, तो कभी पवन अरू को जिद करते हुए खाना खिलाते हैं, तो कभी पवन अरू को अपने हाथों से भी खाना खिलाते। लेकिन आज हम आपको सिर्फ बताएंगे ही नहीं बल्कि आंखों देखा नजारा दिखाएंगे। जी हाँ, आज तो पवन को अरू के हाथों से चॉकलेट खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जब पवन अरू का ये लाड प्यार कैमरे में कैद होता देखा जाता है तो पवन कुछ देर के लिए चौंक जाते हैं और वो फौरन अपना हाथ हटा लेते हैं। जी हाँ, वीडियो में आप देख सकते हैं पवन अरू अपने इवेंट के लिए तैयार खड़े होते हैं। ये स्टेज के पीछे उस बीच मस्ती के मूड में आ जाते हैं। मस्ती ऐसी कि अरू पवन से बच्चों की तरह जिद करती दिखाई देती है। वो पता नहीं किस बात के पीछे पवन से बातों पे बातें की जा रही हैं। तो पवन अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालते हैं और अरू के मुंह में रख देते हैं। अरू जो काफी देर से बड़बड़ कर रही थी, उनके मुंह में चॉकलेट पहुंचती है तो वो चुप हो जाती हैं और पवन को प्यार भरी नजरों से निहारने लगती हैं। पवन को जब पता चलता है कि उनके पीछे कोई वीडियो बना रहा है तो वो झटके से अपना हाथ हटाते हैं और कैमरे के सामने आकर पोज देने लगते हैं। अरुणिता भी पवन के साथ क्यूट पोज देने लगती हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन वीडियो को जूम करके देखेंगे तो यहाँ बहुत कुछ हो गया है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुदीप के फैंस के लिए सुबह सुबह गुड न्यूज आ गई है। हालांकि अभी ये लंदन में ही है, लेकिन इंडिया आने से पहले इन्होंने अपने फैंस को अपने नए प्रोजेक्ट की अपडेट दे दी है। गुड न्यूज ये है कि पवनदीप अरुणिता के मंजूर दिल गाने का अब रिप्राइज वर्जन आने वाला है। हाल ही में पवनदीप अरुणिता का मंजूर दिल गाना रिलीज हुआ था। इस गाने में इन दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री तो देखी थी आपने। अरुदीप के इस गाने को लेकर फैंस में एक अलग ही जोश और एक्साइटमेंट देखी गई थी और ऐसा ही फिर से कुछ होने वाला है। जी हां, अरुदीप के इस नए वर्जन को लेकर जब फैंस को खबर मिली तो फिर से फैंस इनके इस गाने का बेसब्री से इंतजार करते दिखे, क्योंकि ये वर्जन बहुत ही अलग बताया जा रहा है। मंजूर दिल गाने की शूटिंग से बहुत ही अलग और नया दिखाया जाने वाला है। पवन अरू नए लुक में नजर आने वाले हैं। इसके बारे में शायद अब तक आपको खबर नहीं मिली होगी। इस वर्जन को लेकर इनके कुछ पोस्टर भी सामने आ चुके हैं। नए पोस्टर की बात करें तो पवनदीप अरुणिता एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाकर बैठे गाना गा रहे हैं। दोनों का लुक बहुत शानदार लग रहा है। पवनदीप कोट के साथ ब्लैक पगड़ी में हैं, तो वहीं अरुणिता लॉन्ग स्कर्ट के साथ शॉर्ट में नजर आ रही हैं। अरुणिता के हेयर स्टाइल ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए। दोनों लंदन में इसको लेकर प्रैक्टिस भी कर रहे थे, क्योंकि ये पोस्ट उसी वक्त का है जब ये दोनों लंदन में इवेंट कर रहे थे। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि ये लंदन में अपनी परफॉर्मेंस के साथ इस नए गाने की भी शूटिंग कर रहे थे।